तो हेलो दोस्तों, आज का आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 7000 की रेंज में। अगर आपका 7000 रुपए का बजट है, इस बजट में आप एक अच्छा सा बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिले, अच्छी डिस्प्ले मिले और एक ज़बरदस्त प्रोसेसर मिले जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी कर पाएँ और डे बाई डे में भी उसको यूज़ कर पाएँ, अगर देखा जाए तो इन फ़ोन्स में आप लोगों को अच्छी स्पेक्स मिल जाती है जहां पर परफॉर्मेंस भी आप लोगों को कमाल की मिलती है। देखने में फ़ोन बहुत ही अच्छे लगेंगे आप लोगों को। यहां पर जो फ़ोन मैं आप लोगों को बताऊंगा ये इसी रेंज में आप लोगों को मिल जाते हैं। ज़्यादातर आप इन फ़ोन्स को देख पाएंगे, ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं और ऑनलाइन मार्केट में भी आपको फ़ोन ये मिल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल कोई और फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहे हैं एंट्री लेवल के रेंज में। अभी देखा जाए तो आपके वही 15,000 से 20,000 रुपए की रेंज में खूब सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कम बजट में अभी और कोई फ़ोन लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन फ़ोन्स की स्पेक्स और प्राइस। दोस्तों, तीसरे फ़ोन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर माइक्रोमैक्स की फ़ोन निकल कर आता है, माइक्रोमैक्स IN1B। बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इस फ़ोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिल जाती है। एंट्री लेवल में एक अच्छा स्मार्टफोन है, यानी अगर आपके पास 7000 रुपए हैं तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। इस फ़ोन में आप लोगों को अच्छी स्पेक्स और कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। माइक्रोमैक्स IN1B की अगर बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को 6.52 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि IPS LCD पैनल होता है, जो कि देखने में स्टाइलिश लगता है। फ्रंट और बैक से अगर बात करें कैमरे की तो इस फ़ोन में आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ, जहां पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की तो इस फ़ोन में आप लोगों को MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें आपको अच्छी स्पीड वगैरह मिल जाती है। दमदार प्रोसेसर है, आप इस फ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको हीटिंग और लैग इशू नहीं होने वाला है जब आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं। जहाँ पर अगर बात करें बैटरी की तो इस फ़ोन में आप लोगों को बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फ़ोन में मिल जाती है। अब अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आप लोगों को 7000 रुपये की कीमत में मिल जाता है। कुछ वेबसाइट्स पर आप लोगों को बढ़े हुए पैसे भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 7500 रुपये तक की ये फ़ोन हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम अपने दूसरे स्मार्टफोन की। दूसरा स्मार्टफोन हमारा निकल कर आता है Realme का C20। इस फ़ोन में आप लोगों को बैटरी लाइफ देखने को मिलती है ठीक ठाक, जहाँ पर प्रोसेसर भी आप लोगों को अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले आप लोगों को स्टनिंग मिलती, कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है। प्राइस अगर देखें तो वही अराउंड आप लोगों का 7000 रुपये की कीमत में ये फ़ोन आ जाता है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। बात करें अगर इस फ़ोन की तो आप लोगों को 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का रियल में कैमरा देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बात करें अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की तो इस फ़ोन में आप लोगों को MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, साथ ही साथ 2GB रैम मिलती है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। जहाँ पर बात करेंगे इस फ़ोन के बैटरी की तो इस फ़ोन में आप लोगों को 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो फ़ोन आप लोगों को 7000 रुपए की कीमत में मिल जाता है। प्राइस बढ़ भी सकते हैं, साइट्स पे ज़्यादा भी दिखाई दे सकते हैं कि आपको 7500 रुपये तक की भी देखने को मिल सकता है फ़ोन। दोस्तों, पहला हमारा फ़ोन एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से, जो कि हमेशा बायर्स के लिए सोचता है कि जो आपके कम बजट के हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, तो वो एक अच्छा स्मार्टफोन ले पाएँ। तो रेडमी का 9A एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि कम कीमत में अच्छे फीचर्स आप लोगों को इस फ़ोन में मिल जाते हैं। रेडमी का 9A एक अच्छा स्मार्टफोन निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। बात करेंगे इस फ़ोन की तो आप लोगों को 6.53 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को MediaTek Helio G25 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक ठीक ठाक प्रोसेसर है एंट्री लेवल के हिसाब से। जहाँ पर अगर देखें तो ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, साथ ही साथ 4GB रैम मिल जाती है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। बात करें अगर इस फ़ोन के कैमरे की तो इस फ़ोन में आप लोगों को 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पर 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस फ़ोन के बैटरी की तो इस फ़ोन में आप लोगों को 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आप लोगों को 7000 से 8000 रुपये की कीमत में मिल जाता है, यानी कि जैसे कि अलग अलग साइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, टाटा क्लिक है,
तो कोई अपने अलग प्राइस सेट करता है, कोई अपने अलग प्राइस सेट करता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोगों को थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा मेरी आवाज़ में, थोड़ी सी मेरी तबीयत नाशाज है, अच्छी नहीं है, गड़बड़ है थोड़ी सी तबीयत, तो मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनानी है और आप लोगों को देनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।